नमस्कार विद्यार्थियों, बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है सृजन, तो सृजन में हमारा जो अध्याय है 16, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया ममता कहानी जो है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लेखक परिचय हैं तो उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है सन 1889 में और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अब जयशंकर प्रसाद जो है उनका जो जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। अब बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया और जिसके कारण से बचपन से ही पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए, 8वीं तक इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, अर्थात विद्यालय में गए 8वीं कक्षा तक, और उसके बाद में इन्होंने जो स्वाध्याय द्वारा ही संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। अब ये जो कामायनी है ना, उसके कारण से इनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वो कामायनी है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। और कामायनी के अंदर अलग अलग सर्ग हैं, उसमें एक जो आनंदवाद है तो उसकी एक नई संकल्पना और जो समरसता है उसका संदेश भी इसमें दिया गया है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर देती हैं। आ देखिए, प्रेम, समर्पण, कर्तव्य और बलिदान की जो भावना है ना, तो ऐसी भावनाओं से ये पाठक को अभिभूत कर देती हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएँ हैं वो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक जो कि इनका काव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन जो कि नाटक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह इनके इंद्रजाल, तथा कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। इरावती जो है अधूरा था इनका उपन्यास। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुँह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं इसमें ममता, तो वह कैसी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाली एक स्त्री की कहानी है जिसने अपने कर्तव्य पथ से मुँह नहीं मोड़ा और युद्ध में हारा हुआ जो हुमायूं था उसके घर में आता है, उसकी झोपड़ी में शरण लेता है और वह उसे शरण देती हैं, आश्रय देती हैं और उसकी जान बचाती हैं। हुमायूं उसका घर बनवा कर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। अब हुमायूं जो है ना वहाँ पर रुका है तो उसके घर को बनवा कर अपना जो ऋण है वो चुकाना चाहता था। फिर बरसों बाद अकबर के आदेश से, अब हुमायूं तो चल बसा उसके बाद में उनका उत्तराधिकारी अकबर था, अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती हैं। आ देखिए, वो जब मुगल वहाँ पे आता है ना, मुगल अश्वारोही वहाँ आता है तो वह स्थान उसे सौंप देती है, बता देती है कि हाँ यहीं पे ही एक जो है व्यक्ति आया था और उसको मैंने शरण दी थी। तो इतना कह के वो अपनी जो स्थान है तो उसे सौंप देती हैं और देह त्याग देती हैं और अनंत यात्रा पर चली जाती हैं। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। अब देखिए, एक अष्टकोण 8 कोणों वाला आकर्षक मंदिर बनाया गया वहाँ पर, लेकिन जो शिलालेख है उस पर लिखा गया है कि सातों देश के नरेश, यानी कि 7 देशों को जीतने वाले नरेश जो हुमायूं हैं
उसने एक दिन यहाँ पे विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। अब देखिए, ममता ने अगर रक्षा नहीं की होती, उस दिन शरण नहीं दी होती, हुमायूं को शरण नहीं दी होती, तो हो सकता है कि हुमायूं को जो है जो शत्रु थे वो मार देते, है ना। लेकिन वहाँ पे जब अकबर ने वो गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया, उस मंदिर में कहीं भी ममता का जो नाम है नहीं लिखा गया। तो एक प्रकार की जो पीड़ा है, जो वेदना है, वो भी इसमें प्रकट की गई है। और साथ ही साथ जो कर्तव्य जो है कि जो भारतीय हैं वे अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते, तो ऐसी शिक्षा भी इसमें दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कहानी इसमें संकलित की गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ममता, तो अब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब ये घटना कहाँ की है, किस स्थान का वर्णन इसमें किया गया है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है कि जो नदी है ना, तो उसमें जो जल बह रहा है और सूर्यास्त का समय है, तो ऐसे लगता है कि जैसे जो रक्त है बिखेर दिया गया हो, लाल रंग बिखेर दिया गया हो, तो ऐसा तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है वो। और ममता जो है कौन थी, वो विधवा थी एक, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। सोन मतलब रक्त के समान उमड़ रहा था, यानी कि लालिमा लिए हुई थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब देखिए कि मन में तो वेदना थी, पीड़ा थी, मस्तक में आंधी यानी कि हर प्रकार से विचारों की उथल पुथल चल रही थी, आँखों में से पानी बरस रहा था, यानी कि वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब सुख भी बता रहा है और लेखक इसमें कंटक भी बता रहा है कि कांटे सुख कैसे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अब उसको सुख तो है, राज्य सुख मिला हुआ है ना, धन सुख है, यानी कि सभी प्रकार का सुख मिला हुआ है, लेकिन पति का जो सुख नहीं है, तो विधवा है वो, तो इसलिए सुख के कंटक शयन में वो विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी कि उसकी पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी ये रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की, तो फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अब देखिए, उसके पास में कोई अभाव नहीं है, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडम्बना का कहाँ अंत था। अब देखिए किस प्रकार से जो विधवा है, तो उसको हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे निकृष्ट जो है, तुच्छ, सबसे बिल्कुल निकृष्ट प्राणी माना गया है, निराश्रय प्राणी, निराश्रय, बिना आश्रय के प्राणी माना गया है उसे, और ये कैसी विडम्बना है जिसका कोई अंत भी नहीं है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, प्रकोष्ठ यानी कि कमरे में प्रवेश किया, शोण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अब देखिए, जो नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, लाल रंग का है, रक्त रंग का है, और नदी का जो कल निनाद हो रहा है, तो उसके अंदर वो अपने जीवन मिलाने में वह शुद्ध बेसुध हो चुकी थी, अपने जीवन कोसी में डुबो रखा था, अपनी जो सुदबुद है उसकी ओर आकर्षित थी, पिता का आना न जान सकी। अब पिता कब आए, चूड़ामणि कब आए, तो वो जान नहीं पाई, क्योंकि वह स्वयं खोई हुई थी। चूड़ामणि व्यथित तो उठे, स्नेह पालित पुत्री के लिए क्या करें। अब देखिए, स्नेह से पाली थी ये पुत्री, लेकिन उसके लिए करें क्या, यह स्थिर न कर सकते थे, कि ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उसके लिए क्या करें। अब विधवा जो है, पुनर्विवाह प्रथा नहीं थी उस समय कि विधवा का दोबारा विवाह कर दिया जाए, तो वो सोच रहे किस प्रकार से अपनी पुत्री को प्रसन्न रखा जाए, लौटकर बाहर चले गई। अब वे खुद भी व्यथित हैं उनको देखकर, ममता को देखकर, ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। अब मंत्री जो हैं चूड़ामणि दुर्गपति थे, तो उनके मन में एक अजीब प्रकार की जो चिंता है वो बनी हुई थी, दुश्चिंता यानी कि बुरी चिंता बनी हुई थी, जिसके कारण से पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आईं। अब एक पहर बीत चुका है, उसके बाद में फिर ये ममता के पास में आते हैं। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। अब ये चूड़ामणि जब आता है ना, तो ममता के कमरे में, तो
उसके सेवक जो हैं चांदी के बड़े बड़े थाल हैं, थालों में कुछ लिए हुए हैं। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। अब कितने यानी कि दसों सेवक अगर पीछे हैं तो जो पैरों की आवाज़ है, पद शब्द मतलब पैरों की आवाज़ को सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अब मंत्री जो चूड़ामणि थे, जो कि ममता के पिता थे, तो उन्होंने सारे थाल जो रखने का संकेत दिया, अनुचर थाल रख कर चले गए। अनुचर यानी कि जो सेवक थे ना, वो थाल रख के वहाँ से चले गए हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? अब आपस में बातचीत हो रही है, ममता पूछ रही है कि यह क्या है पिताजी। तो ममता का पिता जो चूड़ामणि है, जो दुर्गाधिपति है उस समय, कहता है कि तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया, आवरण यानी कि जो कपड़ा ढका हुआ था ना उसको हटा दिया वहाँ से। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। अब जो सोना है ना, उसका जो सुनहरापन था, तो सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। अब पीलापन जो है, सुनहरी संध्या थी, शाम ढल रही थी, तो उसमें विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। अब आश्चर्यचकित होगी कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो वो चूड़ामणि कहते हैं कि तुम इतना शोर मत करो, यह तो तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मलेच्छ यानी कि जो मुगल है ना, जो शत्रु है, उसके लिए कहा गया मलेच्छ जो है, और उत्कोच का मतलब है कि उपहार जो है, स्वीकार कर लिया। पिताजी है अनर्थ है, अर्थ नहीं है। और कहते हैं कि ये पिताजी अनर्थ है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये धन नहीं है, ये अपने लिए लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। अब कहती है कि अपने तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का सोने से क्या काम है, इतना सोने का करेंगे क्या हम। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। अब चूड़ामणि कहते हैं कि ये जो पतनोन्मुख है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है जो प्राचीन सामंत वंश है ना, तो उसका अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। अब देखिए, एक पिता को चिंता रहती है अपने बच्चों के लिए, चाहे कोई भी माता पिता है, तो वो सोचते हैं कि विकट परिस्थिति अगर आ जाती है तो उसका भी सामना करने के लिए हम तैयार रहें। उसी प्रकार से जो चूड़ामणि है, वो भी भविष्य के लिए चिंतित था। तो वो कहता है कि कभी न कभी जो है रोहिता, जो शेरशाह है रोहिताश्व दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेगा, और उस समय मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, और तब क्या करेंगे बेटे। तो उस समय के लिए है ये। तो ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, कि विपत्ति आने वाली है तो उसके लिए आप इतना आयोजन कर रही हैं, पहले से इसका प्रबंध कर रही हैं, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। तो क्योंकि वो कहती है कि अपने ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को सोने से क्या काम है, तो क्या हमें भीख भी नहीं मिल सकती क्या। हमारा जो स्वाभिमान है वो बना तो रहेगा, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अंडे सके। अब वो कहती है कि अगर शेरशाह ने रोहिताश्व दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया, आपका मंत्रित्व भी चला गया, तो क्या इस हिंदू भूपृष्ठ के ऊपर, भूमि के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अंडे दे सके। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वो कहती है कि ऐसा असंभव है कि कोई भी हमें दो मुट्ठी अनाज नहीं देगा, तो ऐसा तो असंभव है इस हिंदू स्थान की भूमि के ऊपर। और आप फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए मतलब इसको वापस कर दीजिए। और वो कहती है कि मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब चूड़ामणि जो है थोड़ा क्रोध में आ जाते हैं, कहते मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चली गई। मूर्ख है यानी कि ये तो मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम, तो तुम्हें नहीं पता कि कल को क्या हो सकते हैं। फिर दूसरे दिन जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब देखिए, दूसरे दिन जो है, पहले दिन तो वो तो कुछ स्वीकार कर लेते हैं शेरशाह का, तो लेकिन जब दूसरे दिन जो डोलियाँ आ रही हैं, तांता लगा हुआ है यानी कि लगातार कतार जो आ रही है, तो ऐसा देखकर जो ब्राह्मण मंत्री जो था चूड़ामणि, तो उसका हृदय धक धक करने लगा, यानी कि घबराने लग गया है वो मंत्री कि अब क्या होगा अगर किसी ने देख लिया। तो वह अपने को रोक न सका, उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। अब देखिए, उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग का तोरण जो था, यानी कि जो गेट है ना, उसकी दहलीज के पास में जाकर डोलियों का आवरण जो पर्दा है वो खुलवाना चाहा, तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। और क्योंकि डोलियों में महिलाएं आती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होने वाला था। अब डोलियों में महिलाएं नहीं थी, बल्कि शेरशाह के सैनिक थे उसमें, और इस बात का जो
ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि उसको पता था, तो उसका जो दिल है धक धक करने लगा, हृदय धक धक करने लगा, बेचैन हो गया वो, और उसने उनको रोकना चाहा। तो रोहतासु दुर्ग के तोरण पर जो डोलियों के आवरण को खुलवाना चाहा, तो पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है, कि हम ये महिलाओं का अपमान नहीं सहन कर सकते। बात बढ़ गई अब, यानी कि बात बढ़ गई अब, जो चूड़ामणि था वो अट गया कि जो डोलियां हैं उनका आवरण खोला जाए, लेकिन पठान कहते कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये तो हमारी महिलाओं का अपमान हो जाएगा। फिर तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। अब तलवारें खींची मतलब आपस में युद्ध होने लग गया पठानों के बीच में और ब्राह्मण जो चूड़ामणि मंत्री है उनके और सैनिकों के साथ में। तो ब्राह्मण जो वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। अब जो राजा रानी थे ना, तो वे भी और साथ में जो रोहतासु दुर्ग का खजाना था वे सब छल कपट करने वाले शेरशाह के हाथ में पड़ गई, लेकिन ममता वहाँ से चली गई, निकल गई वहाँ से। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गई, पर ममता न मिली। अब देखिए, उनको पता था कि चूड़ामणि की एक पुत्री भी है ममता, तो वे उस ममता को ढूंढते हैं, लेकिन वो ममता वहाँ से निकल जाती है और डोली में जो भरे हुए पठान सैनिक थे वे दुर्ग भर में फैल जाते हैं, पूरे दुर्ग को घेर लेते हैं, लेकिन उनको ममता कहीं भी नहीं मिलती है। ये तो था एक दृश्य, लेकिन अगर ममता वहाँ नहीं थी तो कहाँ चली गई, है ना? तो ममता को क्या किसी ने ममता की मृत्यु कर दी, यानी कि उसको मार दिया, उसका अंत कर दिया, या फिर आगे क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम इसके भाग दो के अंतर्गत। ये पहले भाग में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जो चूड़ामणि को वह ममता शेरशाह के उत्कोच को यानी कि भेंट को लेने से मना करती है, और बेटी की कही हुई बातों से जो चूड़ामणि है उसका मन जो है विचलित तो हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और वह उन डोलियों को वहाँ पर रोकता है। लेकिन सैनिक इतने अधिक थे शेरशाह के और उनके पास में हथियार भी काफ़ी थे, तो जिसके कारण से जो चूड़ामणि है वहीं पर मारा जाता है, और साथ ही साथ जो रोहतासु दुर्ग के राजा और रानी हैं और साथ ही खजाना जो है जो छल कपट करने वाला शेरशाह है उसके हाथ पड़ जाते हैं। और लेकिन ममता को भी ढूंढते हैं और ममता उनको मिलती नहीं है, तो सैनिक जो है पूरे दुर्ग भर में उसको ढूंढते हैं लेकिन ममता कहीं नहीं मिलती। तो भाग दो में पढ़ेंगे कि ममता जो है अब वो कहाँ चली गई है और किस हालत में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। क्या उसको, क्या वह सोना वहाँ से ले गई है, क्या वह उस सोने के बलबूते पर अपना जो सुखी जीवन जी रही है, या किस हालत में है, तो वो हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।